एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर से ये खबर मिल रही है जहां एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव सामने आया है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख का रहने वाला ये मरीज है, 41 वर्ष का बताया जा रहा है। एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इसका इलाज शुरू हुआ है। कल ईरान से आए 275 में ये व्यक्ति शामिल था। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जीएल मीणा ने ये पुष्टि की है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एक के बाद एक पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और एक और पॉजिटिव मरीज अब सामने आया है। और ये जो कल ईरान से लोग आए हैं 275, उनमें ये व्यक्ति शामिल है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जीएल मीणा ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें 41 वर्ष का ये मरीज है और लद्दाख का रहने वाला बताया जा रहा है। ईरान से कल जो लोग आए हैं उन लोगों में ये व्यक्ति शामिल है। और हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी बात बताएं, पूरी अपडेट दें। देखिए, एक बड़ी चुनौती और सामने खड़ी हो गई है। ईरान से पहले 277 लोग आए थे, 275 आए हैं, उनमें से लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के एक व्यक्ति को पॉजिटिव आया है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जी एल मीणा ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारे और मरीजों की तरह यह मरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि बाकी जो शेष ईरान के जो मरीज है उन पर और अधिक अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो संक्रमण है जिस तरीके से आगे से आगे फैलता है तो एक बड़ी चुनौती तो है ही। लेकिन मिला के कहा जा सकता है कि फिलहाल इलाज शुरू कर दिया गया है और ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव ही आ रहा है। कल जिन जिनको पॉजिटिव है उसमें कुछ लोगों के नेगेटिव भी आना शुरू हो गया। तो लेकिन ये चुनौती वाली बात है कि ईरान से जो भारतीय आए हैं उनमें एक व्यक्ति को पहली बार ऐसा हुआ, चूंकि जैसलमेर में आए उसमें किसी को पॉजिटिव नहीं आया, जोधपुर में पहले से 270 है उसमें पॉजिटिव नहीं है, मगर कल जो 275 आए उनमें से एक व्यक्ति को पॉजिटिव आना ये थोड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल राजीव, 275 जो लोग आए हैं उनमें से एक ये पॉजिटिव मरीज है, तो जो 274 लोग होते हैं उन पर भी खतरा मंडराता है। और ऐसे में अब हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने पुष्टि कर दी है कि ये पॉजिटिव है और इसे निगरानी में भी रखा जा रहा है, और ईरान से जो लोग आए हैं उन पर भी अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका।